केना मेटल इंडिया जो स्टॉक सामने स्क्रीन पे आ रहा है, इस स्टॉक को ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार जेम्स में दिया, मैंने 13 अगस्त 2020 को भी ये स्टॉक दिया था, तब ये सिंगल फिगर्स में चला करता था और अच्छा खासा वहां भी है और कंपनी गजब है। देखिए इसमें कहीं कोई सोचने की बात ही नहीं है, केना मेटल है तो एक एमएनसी है और एक बहुत पुरानी कंपनी है और मतलब इंडिया में भी अच्छा खासा इनका पेडिग्री है। 75% सब्सिडियरी है ये केना मेटल इनकॉर्पोरेटेड का, तो उससे एक और कॉन्फिडेंस आता है कि एक एमएनसी कंपनी में लाया हूं आज के ऐसे डेंजरस बाजार में और जहां पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो। सबसे इंपॉर्टेंटली रिजल्ट्स होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि, और सेगमेंट भी बहुत अच्छा है क्योंकि बजट में भी देखिए कैपिटल था तो ये कंपनी उसका बेनिफिशियरी होती है। कंपनी कार्बाइड टूल्स और स्पेशल पर्पज मशीन बनाती है ऑटोमोटिव, डिफेंस के लिए, रेलवे के लिए, इंफ्रा के लिए, और सबसे बढ़िया बात है डाउनसाइड रिस्क कम लगती है मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे जाने का घर लगता नहीं है और अगर जाता भी है तो इन स्टॉक्स को लेते हैं तो कहीं कोई घबराना नहीं है क्योंकि इनके चूंकि फ्लोटिंग स्टॉक कम होता है, प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग हायर है और एमएनसी है, इक्विटी छोटी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, आने वाले समय में फिर से आ जाता है और साथ में ग्रोथ भी दे रही है। देखिए एक सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है ग्रोथ, करीब प्रॉफिट अगर पिछले 5 साल की कैगर देखें तो 26% की कैगर है और मैं रिजल्ट्स को देख रहा था और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को देख रहा था क्वार्टरली रिजल्ट्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, तो बल्कि पिछले मार्च के क्वार्टर में 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, उसके सामने 18% का मार्च 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, यानी पहले ये 13-14% की रेंज में काम करती थी, इस बार पिछले 3-4 क्वार्टर से कंपनी ने अपने रेंज को बढ़ाया, ओपीएम्स को बढ़ाया, जो 18-19% के लगभग रहने लगा है, विच इज अ वेरी बिग प्लस। मार्केट्स खराब है इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा स्टॉक, बट आने वाले दिनों में मुझे लगता है एक बड़ा स्पाइक ये देगा। और दूसरी बात यह है शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जैसे मैंने बात की प्रोमोटर्स के 75% शेयर होल्डिंग है ही है और FIIs DIIs का भी पूरा भरोसा है, 13-14% के लगभग इनका है, तो पब्लिक में भी शेयर होल्डिंग कम है, लो इक्विटी है और बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए स्टॉक को 2130 के टारगेट के लिए और 2300 का लेवल से ऊपर दिखाया हुआ है।